अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के बारे में। तो वर्ड परसेंटेज से क्या मुराद है? इससे मुराद है पर हंड्रेड। ये वर्ड परसेंटेज परसेंट से निकला है, जिसको अगर मैं डिवाइड करूं तो पर का मतलब मैथ्स में डिवाइड होता है और सेंट का मतलब होता है हंड्रेड, यानी इसका मतलब हो गया डिवाइड बाई हंड्रेड। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज हमारे पास एक फ्रैक्शन की टाइप है, ये हमारे पास फ्रैक्शन की एक टाइप है। तो कौन सी टाइप है? ऐसी फ्रैक्शन की टाइप जो कि जिसका डिनोमिनेटर या जिसके डिवाइड की जो लाइन होती है उसके नीचे क्या आए? हंड्रेड आए। और लफ्स फ्रैक्शन से क्या मुराद है? लफ्स फ्रैक्शन से मुराद है पार्ट ऑफ अ होल। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ कि आपके क्लास में टेस्ट में टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का टेस्ट है, तो उसमें आपके 7 मार्क्स आए हैं 10 में से। तो आपका टीचर उसको कैसे लिखते हैं? 7 डिवाइड बाई 10, यानी 10 में से 7 मार्क्स। तो टोटल जो होल है वो कितना था? 10 मार्क्स था, जिसका कितना आपने लिया? 7। तो 7 पार्ट होगा और 10 जो है वो होल होगा। तो ये फ्रैक्शन होता है। सो परसेंटेज ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिवाइड के जो ये लाइन है इसके नीचे वाला नंबर क्या आए, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, वो 100 आए। स्टूडेंट्स, परसेंटेज को मज़ीद समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 20 बाई 100 लिख लेती हूँ। 20 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या है? ये एक परसेंटेज है। क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 100 है। इसी तरह से 7 डिवाइड बाई 100 और 512 डिवाइड बाई 100, ये भी क्या हैं? परसेंटेजेस हैं, क्योंकि इनके नीचे भी डिवाइड बाई 100 ही है। तो परसेंटेज क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर यानी ये बार के नीचे वाला नंबर 100 हो। अब क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं परसेंटेज, एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा ही 100 आता है, तो बार बार डिवाइड बाई 100 लिखने की बजाय इसके लिए शॉर्टकट नोटेशन मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इस तरह से बार बार 100 से डिवाइड करने के बजाय हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 20 डिवाइड बाई 100 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 20 जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला नंबर, उसको एज इट इज़ लिखेंगे और डिवाइड बाई 100 की जगह हम ये वाला साइन लगा देंगे। इस साइन को परसेंटेज का साइन कहते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। इसी तरह से 7 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा 7%, और 512 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा 512%। तो ये जो परसेंट साइन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिवाइड बाई 100। तो इसको शॉर्टकट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी ये परसेंट का साइन आए, आप इसका मतलब समझें कि ये डिवाइड बाई 100 है। अब क्योंकि परसेंटेज एक फ्रैक्शन है, और जैसे कि आपको पता है कि हर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स में, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह से परसेंटेज को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 100, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। तो जब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 20 को 100 के साथ, तो कैसे डिवाइड होगा? 100। अब ये क्योंकि 100 बड़ा नंबर है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 0 पॉइंट के साथ इधर 0 बढ़ाएंगे और 100 टू 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, इसका आंसर आया 0.2। तो इससे हमें पता चला कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन, सॉरी, परसेंटेज को डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 7% क्या हो जाएगा? 0.07, और 512% हो जाएगा 5.12। तो इस तरह से आप डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो रहा है सारे नंबर्स, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, 100 में 2 जीरोस होते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ राइट साइड से ऊपर वाले नंबर को काउंट करना शुरू करना है, और 02 यानी 2 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, और फिर आगे प्लेस होल्डर के लिए 0 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा 0.2। अब जैसे 7 डिवाइड बाई 100 है,
तो क्या करेंगे, यहाँ से आगे आपने दो नंबर्स काउंट करने हैं, सेवन और सेवन के आगे कुछ भी नहीं है इसलिए हम ज़ीरो लगा देते हैं। तो सेवन और फिर ये दो नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो ये बन गया 0.07। इसी तरह से 512 कैसे बना, टू जीरोस हैं तो वन, टू डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह आप डायरेक्ट डेसिमल में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने परसेंटेज के टोटल तीन फॉर्म्स देखे। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसका फ्रैक्शन फॉर्म ये मैंने आपको लिख दिया। इसमें क्या होता है, इसमें आप 20 डिवाइड बाई 100, 7 डिवाइड बाई 100 और 512 डिवाइड बाई 100 मैंने एग्जांपल्स लिख दी, जिसका डिनोमिनेटर 100 है और ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को परसेंटेज कहेंगे और ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है परसेंटेज फॉर्म और ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म है। तो आज हमने देखा कि परसेंटेज एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसको तीन डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं।